हेलो थिरुना करूंगा इसका, जिसके बाद जॉन को उसके 10,000 कॉइन मिल जाते हैं जस्ट वहीं से। तो अपना कल्टीवेशन एंड करने के बाद जॉन एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है और ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट करते ही जॉन के चारों तरफ ब्लड को ही कंडेंस होने लगती है और धीरे धीरे जॉन की बॉडी के आसपास एनर्जी इंटर होने लगती है, जिसके बाद एक घंटे से ज्यादा टाइम तक जॉन इसे कल्टीवेट करता है। साथ ही जॉन को पता था कि उसकी एल्केमी टेक्निक को मुश्किल से ही सेकंड लेवल पर माना जा सकता था और एक रियल एम्परर 2-स्टार की पिल को रिफाइन करने के जो सक्सेसफुल रेट थे वो अभी भी जॉन के लिए बिल्कुल ना के बराबर ही थे, और उसे अपनी प्रेजेंट टाइम की एल्केमी को सुधारना था और दूसरे स्टार पे अपनी एल्केमी को स्टेबल करना था। जिसके बाद जॉन अपने युआन मू कुल ड्रोन को निकालता है, क्योंकि अब बारी थी ब्लड क्विप पिल को रिफाइन करने की। जिसके बाद जॉन उसमें स्काई फायर को एक्टिवेट करते हुए मेडिसिनल हब्स को झोंक देता है और कहता है स्वाहा। साथ ही जो ये ब्लड क्विप पिल थी ऑब्वियसली ये रैंक 2 की पिल थी, और ये रैंक 2 की पिल तो थी लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट थे वो काफी ज्यादा सस्ते थे और इसके इफेक्ट रैंक 3 के सैन बैन क्वी पिल से बिल्कुल भी कम नहीं थे। और जॉन इस पिल को रिफाइन करते हुए न केवल अपनी एल्केमी को सुधारना चाहता था बल्कि लॉन्गी की पावर को सुधारने के लिए वो लाइटिंग को भी अट्रैक्ट करना चाहता था, क्योंकि जॉन को अच्छी तरीके से याद था लॉन्गी ने जब पिछली बार लाइटिंग को अब्जॉर्ब किया था तो उसकी बॉडी पे कितने अच्छे इफेक्ट दिखाई दिए थे, और लाइटिंग को अब्जॉर्ब करके लॉन्गी अपनी पावर को जल्दी से बढ़ा सकता है। इसलिए जॉन लॉन्गी को तुरंत ही एक टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज भेजता है, जिसके कारण लॉन्गी गोल्डन टावर से बाहर आकर जॉन के बगल में उसे पिल रिफाइन करते हुए देखने लगता है। जिसके बाद जॉन कहता है लॉन्गी क्या तुम 2-स्टार के पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब कर सकते हो, जिसमें का लॉन्गी भुएं चढ़ा लेता और आंखें बंद करते हुए कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद वो कहता है बिल्कुल पापा आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। जूयान उसके आंसर से थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी जॉन को दूसरी प्रॉब्लम आती है कि लॉन्गी अगर 9 मिस्टर प्रोफाउंड ड्रैगन बनेगा तो वो काफी ज्यादा एक रेयर ओरिजन है, अगर लोग उसे देखेंगे तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी लॉन्गी कहता है अरे पप्पा नाराज काहे हो रहे हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या ड्रैगन बॉडी दोनों में अपनी ड्रैगन डिफेंस पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं ह्यूमन बॉडी के साथ ही इन पिल लाइटिंग्स को अब्सॉर्ब कर लूंगा। साथ ही उसका आंसर काफी कमिटेड होता है, तो जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए वापस से पिल रिफाइनमेंट में अपना ध्यान फोकस करता है। साथ ही ब्लड क्विप पिल और किंगलिन लिक्विड को रिफाइन करने की जो मेथड थी वो लगभग समान थी, और इस टाइम तक जॉन ने पहले ही पिल के जो भी इंग्रेडिएंट थे उन्हें रिफाइन कर लिया होता है। साथ ही तुम लोग जो कह रहे थे ना कि पिछले एपिसोड में कि पिल रिफाइनमेंट को जल्दी एक्सप्लेन करो, जल्दी बोरिंग मत किया करो, पिल रिफाइनमेंट को मैंने हवा में उड़ाया है और इसे भी हवा में उड़ाएंगे। इस टाइम पे जॉन उसे सबसे पहले इंग्रेडिएंट को ही रिफाइन करना था, जिसके बाद उसे इन सभी लिक्विड्स को एक साथ फ्यूज करना था, लेकिन ये जो रिफाइनमेंट था वो किंगलिन लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन था। आखिरकार एक ही टाइम में 10 इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना एक टाइम में एक इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के कंपैरिजन में ज्यादा कठिन था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जॉन के पास स्काई फायर और युआन वो कुलड्रोन था। जॉन तो बस इसकी क्वालिटी को रिफाइन करते हुए रिफाइन करने में कूद पड़ता है, जिसके बाद जॉन एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता और उन्हें जेट की बोतल के अंदर भर लेता है। और इसके बाद अब उसके पास आखिरी इंग्रेडिएंट केवल ब्लड कंडेंसिंग वो फ्रूट होता है, जिसके बाद ब्लड क्विप पिल को रिफाइन करने का लास्ट फ्यूजन स्टेप बाकी हुआ होता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन के कोल्डोन के अंदर एक अजीब ही फ्लक्चुएशन था, और उस फ्लक्चुएशन के साथ पिल लिक्विड तुरंत ही काले पाउडर में बदल जाता है। ये देखकर जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए हंसता है कि वास्तव में इसे फुलफिल करना इतना ज्यादा भी इजी नहीं है, और पहला रिफाइनमेंट तो गलत होना ही था क्योंकि फ्लेम की पावर ऊपर नीचे हो जाती थी। जिसके बाद जॉन ट्राई करना कंटिन्यू रखता है और सोल कंडेंसिंग ब्लड कंडेंसिंग फ्रूट और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिठान मिक्स करने में इस बार एक्स्ट्रा अलर्ट होता है, जिसके बाद हर बीतते हुए मिनट और सेकंड के बाद काफी बार अनसक्सेसफुल होने के बाद जॉन धीरे धीरे इन चीजों को रिफाइन करना सीख जाता है, और पिल के आसपास के जो छोटे छोटे धब्बे और सरफेस होती है वो काफी ज्यादा चिकनी होने लगती है, धब्बे गायब होने लगते हैं। साथ ही जॉन को पता था कि ब्लड क्विप पिल काफी ज्यादा खास है, और अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो मेडिसिनल पिल का एक सेट सक्सेसफुल होता है तो वो 10 पिल्स को कंडेंस करेगा। ये देखकर तो जॉन भी थोड़ी सा सरप्राइज होता है कि वास्तव में ओल्ड डायमंड एम्परर द्वारा इकट्ठा किए गए हर एक पिल फॉर्मूले वास्तव में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, चाहे वो लो लेवल के हो या हाई लेवल के, वो लोगों को काफी ज्यादा सरप्राइज कर सकते थे। और उसी टाइम पे जॉन के खोपड़ी के ऊपर उसकी झोपड़ी के ऊपर ब्लैक कलर के क्लाउड आ जाते हैं और लाइटिंग पावर बढ़ने लगती है, जिसके बाद जॉन अपने छत के ऊपर का रोशनदान खोलता है और काले क्लाउड्स को देखता है। जॉन ने देखा था ये रूम पहले तो खास तौर पर एल्केमिस्टों के लिए तैयार किया गया था, इसलिए जॉन यहाँ पे लॉन्ग टाइम से पिल लाइटिंग के लिए पहले ही तैयार बैठा था। और आसमान में गरजते हुए बादलों को देखकर जॉन के चेहरे पे आ जाती है एक स्माइल, कि आखिरकार इतने सारे इंग्रेडिएंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सक्सेसफुल तो हुआ। तभी लॉन्गी भी खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। साथ ही लाइटिंग की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी आंखें कुछ देर के लिए तो स्टेबल हो जाती हैं, जिसके बाद
लॉक तुरंत ही लॉन्ग ही तुरंत ही एक लाइट की रेज में बदल जाता है और ऊपर आसमान में चला जाता है जहाँ से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। और लौंगी के जाने और वापस लौट कर आने में बेदेना कुछ सेकंडों का ही टाइम लगता है कि आसमान की गड़गड़ाहट पूरी तरीके से गायब हो गई होती है। ये देखकर तो जो यान भी वास्तव में चौंक जाता है कि ये कौन सी स्पीड है, लेकिन तभी जॉन को याद आता है कि भाई ये लौंगी है जो नाइन मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग थंडर है जिसके पास खुद का एक मेंटल स्ट्रेंथ है और ये तो लाइटिंग की पावर से ही क्रिएट हुआ है, तो लाइटिंग को ऑब्जर्व करना वो तो इसकी स्पीड और इसकी क्वालिटी ही है। जिसके बाद लॉन्गी उसकी बॉडी में गोल्डन लाइटिंग की पावर देखी जा सकती थी, साथ ही उसकी बॉडी के अंदर कंडेंस हो गए होते हैं और सेफ बिल्कुल फ्रिज में रखे हुए फ्रूट की तरह, जिससे वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था। ये देखकर जॉन भी एक सैटिस्फाइड स्माइल करता है और ब्लड कोई पिल को तुरंत ही जेट की बोतल के अंदर रख लेता है, जिसके बाद जोयान नेक्स्ट पिल को रिफाइन करने में लग जाता है। साथ ही जोयान ने ब्लड कोई पिल के टोटल 140 सेटा खरीदे थे, भाई 140 जो इवन किंगलिन पिल से काफी ज्यादा थे। साथ ही इस पिल को कंडेंस करना लिक्विड को क्रिएट करने से ज्यादा कठिन था, साथ ही इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना और भी मुश्किल। साथ ही हर बार जब जोयान सक्सेसफुली पिल को क्रिएट करता था तो पिल लाइटिंग को लॉन्गी तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेता था और अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करते हुए क्रॉस लग करके उसे रिफाइन करने लगता था। साथ ही जॉन देख सकता था कि लॉन्गी का जो ऑरा था काफी स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है और लॉन्गी की पावर ट्विस्टर डाउडी तक पहुंचने ही वाली थी। साथ ही जॉन को पता था कि लॉन्गी की पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उसकी उतनी ही हेल्प कर सकता है और उसे उसका ट्रंप कार्ड भी माना जा सकता था। काफी लॉन्ग टाइम तक पिल्स को रिफाइन करने के बाद आखिरकार जॉन ने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया होता है, यूज कर लिया होता है, इसलिए जॉन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और आराम करने लगता है। साथ ही वो ब्लड स्प्रिट आर्ट को कल्टीवेट करता है ताकि वो अपने स्पिरिचुअल पावर और बॉडी को फ्रेश कर सके, और कुछ टाइम तक ऐसा करने के बाद जॉन एक बार फिर से रिफाइनमेंट में लग जाता है। साथ ही काफी बार अनसक्सेसफुल होने के बाद जॉन आखिरकार इस पिल में सक्सेसफुल होने लगा था और फेल होने के जो परसेंटेज थे वो काफी कम होने लगे थे। हालांकि जब जॉन ब्लड कोई रिफिल को रिफाइन करने में ध्यान केंद्रित कर रहा होता है तब ऑक्सन हाउस भी काफी ज्यादा लाइवली हो रहा होता है और किंगलिन लिक्विड ऑक्सन हाउस की अलमारी में रखे हुए होते हैं और यहाँ पे बोली हर बार ऊंची और ऊंची होती जा रही होती है और आखिरकार 100 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड कॉइन में जाकर रुक जाती है, वो भी एक बोतल की कीमत, और आधे दिन के ही अंदर ये सारे के सारे बिक जाते हैं। यहाँ तक कि इनके बिकने के बाद काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग भी आए और काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आए, साथ ही इसकी कीमत अचानक ही बढ़ने भी लगी थी और लोगों की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और बाजार में तो ये लिक्विड और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके कारण जो किंगलिन लिक्विड था ये काफी ज्यादा इफेक्टिव सिद्ध हो रहा होता है, इसीलिए अब बाकी लोगों को उम्मीद होती है कि इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही सावलोंग का जो पिछला अनुमान था 100 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड कॉइन, लेकिन जैनी को इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्होंने पाया कि बाजार में इसकी कीमत उनकी कल्पना से भी ज्यादा बढ़ रही है और जैसे ही जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है वो इसकी कीमत बढ़ाते ही जा रहे हैं, जिससे सावलोंग और जैनी दोनों ही बहुत खुश थे। और सावलोंग जॉन को खोजने के लिए जल्दबाजी में वहाँ पे आता है, लेकिन देखते हैं कि जॉन तो पिल रिफाइनमेंट में लगा हुआ है इसलिए वो जॉन को डिस्टर्ब नहीं करता, जिसके बाद वो कहती मिस आप टेंशन फ्री हो सकती हैं, वो जो पर्सन आपसे मिलने आया था वो जोयान है ना, और ऐसा कहते हुए सावलोंग जेनी की तरफ देखता है जो कि जेड की बोतल को पकड़े हुए होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है जैसे वो कुछ सोच रही हो, लेकिन सावलोंग की बात को सुनते हुए तुरंत ही होश में आते हुए कहती है ओह हाँ मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन मुझे यकीन है कि उसे वही होना चाहिए। तभी सावलोंग कहते हैं ये जेट की बोतल वही है जिसके लिए लोग इतने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और कीमत को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसपे जेनी सिहराते हुए कहती है हाँ, साथ ही मैंने किसी को इसे मौके पर ही आजमाने के लिए कहा था और एक पल में उसकी पूरी ही कोई ठीक हो गई और साथ ही साथ उसे जो चोट लगी थी वो भी ठीक हो गई, यहाँ तक कि मैं भी ऐसी मेडिसिन पिल के बारे में कभी भी नहीं जानती थी जो ओरिजिन कोई को तुरंत ही ठीक कर सकती हो और ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट दे सकती हो, यहाँ तक कि मुझे लगता है 100 ड्रैगन टेल्स ये तो वास्तव में काफी सस्ती कीमत है ऐसे के लिए। जिसके बाद वो कहती है सावलोंग आपने इस बार तो वास्तव में मर्चेंट एलायंस में काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है, अंकल तुम्हें जरूरी कोई अच्छा इनाम देंगे। तभी सावलोंग हंसते हुए कहता चलिए जोयान पे बिन हासिल करने के बाद ही हम इस पे बात करेंगे। तभी जेनी कहती क्या हमने जोयान की जांच की है, जिस पे सावलोंग तुरंत ही कहता है इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि जैसे ही अलायंस को ब्लड डायमंड ऑर्डर की खबर मिली थी उसने लोगों को डीजो में भेजा था और हमें पता है कि एक साल से भी कम के टाइम के अंदर ये जोयान जोक्लिन के अंदर सबसे टैलेंटेड पर्सन बन गया, साथ ही उसने फर्स्ट टाइम 1.5 महीने तक कल्टीवेट किया था जिसके बाद उसने एशियन टॉम के अंदर एंटर किया, बाहर आते ही उसकी पावर 3-स्टार डाउडी तक बन गई, ये स्पीड सच में चौंकाने वाली है, साथ ही उसके पास स्काई फायर भी है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। और ऐसा कहते हुए सावलोंग जॉन के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर जेनी ज्यादा कुछ नहीं कहती और उसकी भौहें झुक जाती हैं और वो अपने हाथ के उस जेट की बोतल के साथ खेल रही होती है और उसे किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। जिसके बाद जेनी अचानक ही कहती है ये एक पल में ओरिजिन कोई को पूरी तरीके से रिकवर कर सकती है, यहाँ तक कि 3-स्टार या 4-स्टार मेडिसिनल पिल भी ऐसा करने में कैपेबल नहीं होंगी, साथ ही इसके पास ट्रीटमेंट इफेक्ट भी है
क्या ये पिल काफी हाई लेवल की है? जिस पर सालों का आंसर देते हुए कहता है, इसका ग्रेड काफी कम है और भले ही उसके पास एक अच्छा पिल फॉर्मूला है, वो इसे हाई लेवल तक अभी नहीं बना सकता। यहाँ तक कि उसके पास तो एक 6 स्टार का मैजिकल कोर भी है, लेकिन वो उसे बेचने को तैयार नहीं क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कम से कम उसके पास टियर 6 की पिल का भी एक पिल फॉर्मूला तो होना ही चाहिए। जेनी भी जब ये सुनती तो कुछ सोचने लगती है। साथ ही वो मेहमानों का स्वागत करते टाइम जो अट्रैक्टिव बिहेवियर रखती थी वो पूरी तरीके से खो गया होता है और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा मैच्योर लग रही होती है। तभी सावलोंग कहता है, जो यान उसके पास ओल्ड एम एम्पर के सभी ही पिल फॉर्मूले होने चाहिए, केवल लो ग्रेड के पिल फॉर्मूले प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। साथ ही आप देख सकते हैं कि टियर 2 की पिल इतनी स्पीड के साथ बिक रही है और इतनी अच्छी है, तो रैंक 3 और रैंक 4 की पिल कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। इसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है बैटल क्वी रिकवरी पिल बाजार में लगभग अकेले एकाधिकार करने में कैपेबल होंगी। यहाँ तक कि अगर उसी पिल की 2 पैटर्न और 3 पैटर्न पिल भी हम क्रिएट कर लेते हैं तो बाजार में उसकी क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होगी। ये सुनकर जेनी तुरंत कहती है, अगर ये मामला है तो तुरंत अंकल को रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसके बाद वो सावलोंग की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, तुम इन चीजों को बेहतर बता सकते हो। जिसके बाद मर्चेंट अलायंस के अंदर एक आलीशान कमरे में एक हैपेजेड मैन दिखाई देता है जो आश्चर्य से जेनी और सावलोंग को देख रहा होता है। अनटचड तरीके से कहता है, क्या जियो यान, क्या वो वास्तव में जियो यान है? साथ ही ये पर्सन हैपेजेड मैन होता है। साथ ही ये डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या की मर्चेंट अलायंस का पॉपुलर प्रेसिडेंट जेन बुफान है। तभी जेनी और सावलोंग एक साथी से रिलाते हैं। तभी जेनी और सावलोंग की तरफ देखते हुए जेन बुफान एक बार फिर से पूछता है कि क्या सबूत है तुम लोग के पास? तभी सावलोंग कहता है, इसे हम लोगों ने पहले ही कंफर्म कर लिया है। तभी जेन बुफान कहता है, कैसे? तभी सावलोंग कहता है, वो मेरी तलाश के लिए अंदर आया था लेकिन मैं वहाँ नहीं था, इसलिए जेनी ने उसका वेलकम किया था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और ऑक्शन हाउस में लगभग 30 बोतलें उसने जेनी को दी थी, इसलिए मैं कंफर्म तो नहीं हो सकता लेकिन ये पिल केवल उसके द्वारा ही रिफाइन की जानी चाहिए। तभी जेन बुफान कहता है, ये कौन सी मेडिसिन इंग्रेडिएंट है, यानी मेडिसिन है? साथ ही जेन बुफान काफी शांत होता है। ये सुनकर सावलोंग तुरंत कहता है, ट्विस्टर डाउडी के पीक लेवल के वॉरियर की डूकुई को तुरंत ही रिकवर कर सकती है और उसकी चोटों को भी रिकवर कर सकती है। ये सुनकर जेन बुफान का चेहरा पूरी तरीके से सख्त हो जाता है। वो कहता है, एक पल में ही पूरी तरीके से ठीक, और वो काफी हैरान और इंटरेस्टेड तरीके से कहता है। तभी जेन भी कहती है, अंकल मैंने खास तौर पर एक बोतल रखी है, आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद किंगलिन पोशन की वो बोतल उसे जेन बुफान को सौंप देती है। तो जेन बुफान की आंखें सहन होती है और वो उस बोतल को स्मेल करता है तो उसकी आंखें तुरंत ही सहन होती है। और इसके बाद वो जेनी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपने इसे आजमाया है? जिसपे जेनी सिर हिलाते हुए कहती, मैंने इसे खुद आजमाया है, साथ ही इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट है। जिसके बाद सावलोंग तुरंत ही कहता है, प्रेसिडेंट क्या आपको लगता है हमें जियोक्लेन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? तभी जेन बुफान कहता है, नहीं, ये चीजों को कठिन कर देगा, उन्हें परेशान मत करो, जियान को 2400 घंटे सेफ रखने के लिए किसी को भेजो, लेकिन ध्यान रखना कि वो इन चीजों पे ध्यान न दे, साथ ही उसे किसी और से संपर्क करने से भी रोको, वो किसी से भी न मिले। साथ ही तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर मुझे हर बात की रिपोर्ट करनी चाहिए, उसकी हर एक चीज को बिल्कुल हाइड रखो। जिसके बाद हमें वापस से ऑक्शन हाउस के यार्ड का वो रूम दिखाया जाता है जहाँ जियान आधे महीने से पिल लाइटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और पिल रिफाइन कर रहा होता है। और इस टाइम पे जियान के रूम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की स्मेल आ रही होती है। और लगभग 20 दिनों तक पिल को रिफाइन करने के बाद जॉन ने आखिरकार रिफाइनमेंट को एंड कर दिया होता है और रूम को खोलता है। साथ ही ब्लड क्वी पिल को रिफाइन करते हुए जॉन की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और रिफाइनमेंट भी काफी साफ हो गया था। साथ ही जॉन ने 140 इंग्रेडिएंट्स के सेट लिए थे लेकिन 73 जेट की बोतल्स को जॉन ने सक्सेसफुली रिफाइन किया था, जो कि पहले के कंपैरिजन में सक्सेसफुल रेट काफी अच्छा था क्योंकि आखिरकार ये टियर 2 की मेडिसिनल पिल थी। साथ ही इस टाइम के दौरान लॉन्गी ने काफी सारी पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब किया था और उसकी बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी और जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। जिसके बाद उसने लॉन्गी को गोल्डन टावर के अंदर अपनी पावर को रिकवर करने और कल्टीवेट करने के लिए भेज दिया था। जिसके बाद जियान कहता है, मुझे ब्लड कोई पिल को भी ऑक्शन हाउस में बेचना होगा, साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि किंगलिन पोषण का जो इफेक्ट है वो कैसा था, अगर मुनाफा अच्छा हुआ हो तो ये बेहतर होगा, साथ ही मैं उन पैसों का यूज करके और इंग्रेडिएंट खरीद के और पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास पैसे भी होंगे और एल्केमी भी मेरी साफ होती जाएगी। जिसके बाद जॉन अपने कपड़े चेंज करता है और इसके बाद उसी गली से ऑक्शन हाउस की तरफ चला जाता है और उसी रास्ते में जाता है जहाँ से पिछली बार वो जेनी से मिला था। और कई मोड़ों में मुड़ने के बाद जॉन हिडन रूम के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे खटखटाता है। तभी आज बाहर जाती है मास्टर स्वांग, तो आप आ गए, और जेनी रूम को खोलती है और जियान के कानों में जैसे उसकी आवाज पड़ती है तो जियान जेनी को देखता है। तभी जेनी कहती है, कृपया अंदर आए। हालांकि जियान ने बास की टोपी पहनी हुई होती है लेकिन उसकी आंखें अभी भी जेनी को ही देख रही होती है। साथ ही अपनी नजर से जेनी भी तुरंत ही इसे फील कर लेती है। साथ ही उसके दिल में जियान के लिए काफी अपने पन वाली फीलिंग होती है। साथ ही इस रूम में सावलोंग भी होता है। तभी सावलोंग जब जियान को देखता है तो वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है, ब्रदर यहाँ कोई आउटर पर्सन नहीं है,
ये सुनकर जॉन भी हंसते हुए बांस की टोपी उतार देता है और जॉन का चेहरा सामने आता है, जिसके बाद जॉन कहता है लगता है मैं इसे अभी भी सीनियर से नहीं छिपा सकता। ये देखकर सावलोंग कि जॉन ने टोपी उतार दी है वो स्माइल करते हैं कि जॉन वास्तव में इतना अलर्ट है। लेकिन यह वास्तव में मर्चेंट एलायंस के लिए काफी अच्छी बात थी क्योंकि वो काफी हर प्रॉब्लम से बच सकते थे। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए कहती तो ये वास्तव में मिस्टर जियो हैं। तभी सावलोंग कहते हैं मैं आपको फैमिलियर कराता हूँ, ये है मिस जेनी और ये ब्रदर जियो यान, चलिए आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तभी जेनी बताती है मास्टर जियो आपने जो हमें लिक्विड दिया था वो आधे दिन से भी कम के टाइम के अंदर ऑप्शन हाउस में पूरी तरीके से बिक गया, साथ ही हर एक बोतल की कीमत लगभग 100 डैगन पैटर्न कॉइन थी। साथ ही जॉन को ऐसा बताते हुए उसकी आंखें साइन हो रही होती हैं। तभी जॉन जेनी की तरफ देखता है तो तुरंत ही अपनी आंखें नीचे कर लेता है। ये देखकर जेनी स्माइल करती है और आगे कहती है इस बार की किंगलिन पोशन की टोटल कीमत हमें जो मिली है वो है 3400 डैगन टेल्स, साथ ही इसमें आपके लिए सबसे बड़ी छूट 2% कमीशन है। साथ ही जो भी टैक्स हमें चाहिए था उससे आपको 100% फ्री दिया जा रहा है, आपको इस टैक्स का 10% खुद चुकाना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास इस टाइम पे टोटल 2693 ड्रैगन टेल्स है जो की सभी इस ड्रैगन पैटर्न कार्ड में है। मिस्टर जियो इसे खुद देख सकते हैं और हमारे मर्चेंट एलायंस की सबसे बड़ी छूट का आनंद ले सकते हैं। और ऐसा कहते हुए जेनी स्माइल करते हुए जॉन को वो कार्ड दे देती है। साथ ही उसके हाथ में दो कार्ड होते हैं जिसमें से एक पर्पल कलर का कार्ड होता है और दूसरा ड्रैगन प्रिंट कार्ड होता है जो कि सिल्वर कलर का था। साथ ही ड्रैगन पैटर्न कार्ड जिक्सी सिटी के अंदर काफी नॉर्मल था क्योंकि ये एटीएम की तरह यहाँ पे वर्क करता था और ये डाउडी कॉन्टिनेंट का बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस कार्ड बन गया होता है जिसके अंदर आपके ड्रैगन पैटर्न टेल्स होते हैं। साथ ही जो पर्पल एमेथिस्ट कार्ड होता है वो मर्चेंट अलायंस का हाई लेवल का कार्ड था जिसे वीआईपी कार्ड कहा जाता है, जिसका यूज मर्चेंट अलायंस में उच्च स्तर की चीजों यानी कि हाई लेवल की चीजों को खरीदते टाइम छूट के लिए किया जा सकता था। साथ ही एक हाई पोजीशन को भी डिनोट करता था क्योंकि साथ ही साथ ये काफी कीमती था। आखिरकार मर्चेंट अलायंस काफी बड़ी अलायंस थी और उसका पार्ट होना और उसका वीआईपी मेंबर होना ये किसी के लिए भी बड़ी बात हो सकती थी, इसलिए जॉन उन दोनों ही कार्ड को ले लेता है। और जॉन जानता था कि मर्चेंट अलायंस वास्तव में उसके साथ फैमिलियर होना चाहता है और नजदीक आना चाहता है। हालांकि इससे पहले जॉन कुछ कह पाता जेनी एक बार फिर से कहती है कि सर उसे लिक्विड की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, मुझे उम्मीद है कि मास्टर उसे एक बार फिर से रिफाइन कर सकते हैं, साथ ही जरूरत की जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप डायरेक्ट हमसे खरीद सकते हैं वो भी बहुत सस्ते में। ये सुनकर तो जॉन काफी शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या कहे, जिसके बाद जॉन अपने हाथ को फ्लिप करता है और एक लिस्ट दिखाई देती है जिसे वो जेनी को सौंप देता है, जिसके बाद जॉन कहता है मैं उतना खरीद सकता हूँ जितना मेरे पास पर्याप्त पैसा है। तभी जेनी की आंखें भी साइन होती हैं और वो थोड़ा सा हैरान भी होती है और जेनी के ऐसे इंप्रेशन को देखकर जॉन थोड़ा सा स्माइल करता है। हालांकि जेनी एक होशियार लड़की थी लेकिन जॉन भी पर्याप्त कॉन्फिडेंट था क्योंकि जो यान को पता था भले ही वो उन्हें उन इंग्रेडिएंट के नाम दे दे लेकिन मर्चेंट अलायंस से रिफाइन करने का मेथड कभी नहीं समझ पाएगा। आखिरकार ये फ्यूजन टेक्निक कई लेवल्स में डिवाइडेड थी और केवल इंग्रेडिएंट के नाम से ही कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता था, साथ ही शायद ही कोई एल्केमिस्ट इस रिफाइनमेंट टेक्निक के बारे में जानता हो। तभी जेनी उस लिस्ट को लेती और सावलोंग को दे देती है तो सावलोंग तुरंत ही कहता है मैं तुरंत ही इन इंग्रेडिएंट को तैयार कराता हूँ। तभी जॉन ब्लड क्विपिल को सामने रखता है और जेनी जेट की बोतल को लेती है, साथ ही वो कॉफी को टेबल में जोयान के सामने सर्व करती है, जिसके बाद जॉन कहता है ये ब्लड क्विपिल है। ये देखकर जेनी कहती है इस बार तो इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तभी जॉन बताता है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, यहाँ तक कि ये हुईक्सियो पिल के कंपैरिजन में काफी बेहतर है, यहाँ तक इनका ट्रीटमेंट इफेक्ट बिल्कुल उसके बराबर ही है। क्या मिस जेनी इसे आजमा सकती है? और जॉन हंसते हुए बिजनेस की बात पे आता है, साथ ही वो काफी शांत होता है। तभी जेनी कहती है कोई जरूरत नहीं मास्टर, जियो पे हमें पूरा भरोसा है, जिसके बाद वो तुरंत ही किसी को इन्हें ले जाने का इशारा करती है और इसे तुरंत ही ऑक्शन हाउस में सेल करने के लिए कहती है। ब्लड कोई पिल को सौंपने के बाद जॉन यहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है और कहता है मिस जेनी अब मैं यहाँ से निकलूंगा। तभी जेनी कहती मास्टर क्या आप थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते, बस इंग्रेडिएंट आने ही वाले होंगे। ये देखकर जॉन थोड़ा सा एम्बैरस होता है क्योंकि इंग्रेडिएंट आने वाले थे और अभी उसके पास पैसे भी नहीं थे और न ही इंग्रेडिएंट, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे घबराते हुए खड़ा हो जाता है। तभी जॉन कहता है वैसे मैं तावाओ मार्केट देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर जॉन कहती है जेनी कहती है तावाओ मार्केट, मैं भी बस वहीं जा रही थी, तो कैसा होगा अगर हम साथ में चले। और ऐसा कहते हुए जेनी एक्साइटेड होकर जॉन को देखती है और इसके बाद वो थोड़ा सा एम्बैरस होती है। साथ ही जोयान से जब जेनी पहली बार मिली थी तभी उसे अपनेपन का एहसास हुआ था जॉन से, साथ ही उसके अंकल ने कहा था कि जितना ज्यादा हो सके जॉन के क्लोज रहना, तो वो जोयान को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जॉन के साथ जाने की इच्छा जॉन से बताती है, जिसमें जॉन भी अजीब तरीके से हंसते हुए एग्री हो जाता है और दोनों ही लोग ऑक्शन हाउस से एक साथ बाहर तावाओ मार्केट की डायरेक्शन में चल देते हैं। सख्त लोगों का कॉन्टिनेंट है लेकिन 5-star एम्पायर टेबलेशन को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कल्टीवेशन को छोड़ देते हैं और नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ बिताते हैं और वो इन चीजों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। साथ ही यहाँ पे जो सबसे नॉर्मल चीज थी वो थी वेपन। आखिरकार कोई भी बंदा चाहे कितना भी पर्सन कितना भी पावरफुल हो या कि कितना भी विगनर, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती थी एक वेपन।
लेकिन अपने ठरकी के लिए तो कोई भी वेपन बेकार था। आखिरकार जॉन के पास पहले ही हैवी जुआन रूलर था जो कि उसकी फ्लेम पावर को भी चार्ज कर सकता था। हालांकि यहाँ पे काफी सारे बैटल टेक्निक्स भी होते हैं और काफी रेयर बैटल टेक्निक भी थी। साथ ही यहाँ पे जो बैटल टेक्निक थी वो काफी नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ऐसे रेयर टेक्निक भी कभी कभी दिखाई देते थे जिनको कल्टीवेट करना काफी हार्ड होता था। जिसके बाद यहाँ पे तरह तरह के मॉन्स्टर कोर्स भी होते हैं जो पूरे ही मार्केट को लाइट से कवर किए होते हैं। साथ ही इस मार्केट में तरह तरह की आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं। साथ ही यहाँ पे काफी बीस्ट भी होते हैं, लोग जिन्हें अपने माउंट के तौर पर खरीद रहे होते हैं यानी पेट के तौर पर। तभी जॉन कहता है ऐसी अनगिनत चीजें जो मैंने वास्तव में कभी नहीं देखी, वास्तव में लोग इन चीजों को काफी पसंद करते हैं। साथ ही टाइम टाइम पर यहाँ पे लड़ने झगड़ने की आवाजों को भी सुना जा सकता था। हालांकि जुक्सी सिटी में लॉ था कि कोई भी फाइट नहीं कर सकता, इसलिए सिचुएशन चाहे कितनी भी बिगड़ जाए कोई आपस में एक दूसरे पे ऊपर फाइट नहीं कर रहा होता और अटैक चार्ज नहीं कर रहा होता। जिसके बाद जो यान इधर उधर देख रहा होता है और बिना किसी टारगेट के भटक रहा होता है। साथ ही जॉन अपना पूरा ही पैसा इनग्रीडियंट्स को खरीदने के लिए यूज करना चाहता था, इसलिए वो बिल्कुल ही गरीब था। साथ ही तावा मार्केट में आकर कुछ भी खरीदने के हो और देखो, और अचानक ही एक ओल्ड वॉइस आती है। इस आवाज को सुनकर तो जॉन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है क्योंकि ये आवाज होती ओल्ड है और ये आवाज होती है ओल्ड जान की जो कि थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं। तभी जॉन कहता है लिंगिन मॉस रेयर इंग्रेडिएंट जो कि लिंगिन के साथ ही पैदा होता है। जॉन को पता था केवल पीक लेवल के लिंगिन के पास ही लिंगिन स्प्रिट मॉस होती है जिसके अंदर काफी ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी होती है और हेवन और अर्थ के बीच इसे काफी ज्यादा सरप्राइज भी माना जा सकता है। साथ ही इसका यूज मैरोफिल को रिफाइन करने के लिए किया जाता था और इसका कोई दूसरा यूज नहीं था, इसलिए शायद बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हो क्योंकि मैरोफिल के बारे में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। इसलिए जॉन ओल्ड जान की बात को सुनने के बाद सामने वाले बंदे की तरफ देखते हुए कहता है बॉस इस चीज की कीमत क्या है। आखिरकार जॉन को उम्मीद नहीं थी कि मैरोफिल के लिए यूजफुल होगा। इस टाइम पे जॉन काफी खुश भी होता है कि वास्तव में वो इसका यूज मैरोफिल को रिफाइन करने के लिए कर सकता है और आज उसकी कीमत बहुत अच्छी थी। तभी वो बंदा कहता है ये काफी रेयर हर्ब है, साथ ही साथ क्योंकि मिस जेन आप उनके फ्रेंड हैं इसलिए मैं आपको खास छूट दूंगा। इसकी एक कीमत है 20,000 ड्रैगन पैटर्न क्वाइन। और ऐसा कहते स्टॉल ओनर की नजरें मिस जेनी की बॉडी पर रुक जाती हैं। ये सुनकर जेनी तुरंत ही कहती है बॉस मुझे जानते हैं और अट्रैक्टिव स्माइल पास करती है। ये देखकर वो बॉस चौपलूसी करते हुए कहता है जिक्सी सिटी की नंबर वन ब्यूटी को कौन नहीं जानता। ये सुनकर कि बंदे ने 20,000 ड्रैगन टेल्स मांगे हैं जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रेजेंट टाइम पे तो वो 2,000 ड्रैगन क्वाइन भी नहीं निकाल सकता था। तभी जेनी जो यान की तरफ देखती है और उसके इम्प्रेशन को देखती है जो इतने हैरान होते हैं, तो वो स्माइल करते हुए नीचे बैठती है और जियान से उस लिंगिन मॉस को ले लेती है और इसके बाद स्टॉल ओनर की तरफ देखती है। दूसरा स्टॉल ओनर जब जेनी को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो बंदा तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दूसरा जेनी इस चीज को देखती है और काफी देर तक इस चीज के बारे में सोचती है तो जैसे अचानक उसे कुछ याद आया हो। जिसके बाद जेनी तुरंत ही कहती है अगर मैं सही हूँ तो इस चीज को ब्लैक मशरूम कहा जाता है और ये काफी रेयर है। इसकी बहुत टाइम पहले किसी ने ऑक्शन हाउस में नीलामी की थी, साथ ही इसकी कीमत 30,000 थी, लेकिन क्योंकि कीमत काफी ज्यादा थी किसी ने भी इसे नहीं खरीदा और नीलामी को अनएक्सेप्ट कर दिया गया था। तभी वो स्टॉल ओनर हंसते हुए कहता है ऐसी बात है मिस जेनी, जब उसने जेनी को इसे ब्लैक मशरूम कहते हुए सुना था तो एक चीज का अंदाजा उसे हो गया था कि शायद इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, शायद जेनी भी इसे अच्छे से नहीं जानती, वरना तो 1,00,000 ड्रैगन पैटर्न क्वाइन भी इस मशरूम को नहीं खरीद सकते थे। हालांकि जॉन स्टॉल ओनर की पावर का भी पता नहीं लगा पा रहा था, लेकिन जॉन को लग रहा था कि इस बंदे की पावर 4-स्टार डाउडी के आसपास तो होनी चाहिए क्योंकि अब जो यान को ये चीज चाहिए थी और उसके पास पैसे नहीं थे तो वो केवल जेनी से उधार ले सकता था और अगर ये काम नहीं करता तो वो 6-स्टार मैजिकल कोर को गिरवी रख सकता था और पिल रिफाइन करने के बाद वो पैसा चुका सकता था। हालांकि जॉन उस मॉस को नीचे रख देता और खड़ा होकर मुड़ता और जेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़कियां काफी दिमागदार होती हैं भाई, दूसरी दुकान से ले लेंगे ऐसा कह के उस दुकान पे कीमत कम करा लेती है। हालांकि जैसे वो जाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है स्टार ओनर की आवाज आती है और वो तुरंत कहता है कृपया रोके, ये चीज काफी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे रखी हुई है, साथ ही कोई नहीं जानता कि ये किस चीज के लिए है क्योंकि आप इसे खरीदना चाहते हैं, आइए कीमत तय करें। ये देखकर जेनी आराम से स्माइल पास करती है और तुरंत ही मुड़ती है क्योंकि उसने तो इसी चीज की उम्मीद की थी। दूसरा जॉन दिली दिल में जेनी की चतुराई की काफी तारीफ करता है। जिसके बाद जेनी अपने हाथ को ऊपर उठाती है और उसके हाथ में एक कार्ड आता है जिसके बाद वो कहती है 3,000 ड्रैगन पैटर्न क्वाइन। साथ ही यह चीज जिसे उसके बंदे ने काफी ज्यादा हाई कीमत पे अपनी जान जोखिम में डाल के इकट्ठा की थी और इसके अंदर काफी ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी थी, उसे लगा था इसकी काफी अच्छी कीमत मिलेगी इसलिए उसने इसे रखा हुआ था, लेकिन यह कीमत सुनकर उसके फेस इंप्रेशन बदसूरत हो जाते हैं। साथ ही इसका नाम भी कोई नहीं जानता था और केवल इसे ब्लैक मशरूम कहा जाता था, इसलिए उसे पता था इसे हाई कीमत में बेचना काफी इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए यह एक्सेप्ट करना काफी कठिन था कि उसके सामने की यह ब्यूटीफुल लड़की 2,000 की कीमत 20,000 की कीमत को सीधा ही 3,000 ड्रैगन क्वाइन में रख देगी। लड़कियां ऐसी ही हैं भाई। ये देखकर तो बंदा कहता है ये वो मिस जेनी आप इसे देखिए, हमने इस चीज को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, 3,000 ड्रैगन पैटर्न क्वाइन क्या कुछ कम नहीं है। तभी जेनी कहती है ये बहुत ज्यादा है और इतना कहने के बाद वो जॉन के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत ही जाने लगती है।
साथ ही ऑक्शन हाउस के मैनेजर के तौर पर वो इन सिचुएशन से काफी ज्यादा फैमिलियर थी। ये देखकर कि जानी फिर से जाने वाली होती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी, क्योंकि अगर ये लोग भी चले गए तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पता नहीं कितने सालों तक ऐसा ही रखा रहेगा और बेच भी पाएगा या नहीं। तभी जो यान कहता है ठीक है 5,000 ड्रैगन गोल्ड कॉइन ये कीमत आपके लिए काफी होनी चाहिए, लेकिन बदले में आपको मुझे वो जगह भी बतानी होगी जहाँ से आप ये चीज लाए थे। ये सुनकर तो बंदा काफी परेशान हो जाता है कि ये पहला ऐसा कस्टमर था जो वास्तव में उससे वो चीज भी कम कीमत में ले रहा था, उस जगह को भी पूछ रहा था, इसलिए वो उस चीज को बताने के लिए अग्री नहीं होता और कहता अगर आपको ये चीज चाहिए और इसकी जगह का भी पता लगाना है तो आपको पहले मुझे बताना होगा कि आखिरकार ये चीज है क्या और इसका क्या यूज है। तभी जैनी उस ओनर की तरफ देखते हुए कहती है हमारे पास आपसे उस जगह को जानने के लिए एक्स्ट्रा 2000 ड्रैगन टेल कॉइन आपको दे रहे हैं, लेकिन आप इस चीज के बारे में जानने के लिए हमें क्या दे सकते हैं और क्या कीमत चुकाएंगे। ये सुनकर तो वो बंदा और भी परेशान हो जाता है और तुरंत ही कहता है ठीक है वैसे भी अब मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जाने वाला, वो काफी खतरनाक है, इसलिए आप 1000 ड्रैगन टेल और जोड़ दें, मैं आपको इस जगह के बारे में भी बता दूंगा। जिसपे जैनी जो यान की तरफ देखते हैं और जान तुरंत ही अपना सेल ला देता है, जिसपे जैनी स्माइल करते हुए कहती है डील। जिसपे वो स्टॉल ओनर एक मैप उठाते हुए उसमें मार्क लगाता है और उसे जो यान को दे देता है। साथ ही स्टॉल ओनर की आंखों को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो झूठ नहीं बोल रहा है। जिसके बाद जान अपने हाथ को फ्लिप करता है और 6-स्टार मैजिकल कोड को निकालते हुए थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए जैनी की तरफ देखता है। जिसके बाद जान कहता है मिस जैनी 6000 गोल्ड ड्रैगन गोल्ड कॉइन के बदले आप इसे कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकती हैं, मैं पैसे आपको देने के बाद ये आपसे वापस ले लूंगा। दूसरी जैनी जब जॉन को ऐसा करते हुए देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो पूरी तरीके से शॉक सी रह जाती है। दूसरी जैनी को इस तरीके से देखते हुए जॉन थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है। दूसरी स्टॉल ओनर हल्के से खांसता है तो जैनी भी अपने शॉक इम्प्रेशन से बाहर आती है और सीधे एक सिल्वर कार्ड को उस आदमी के पास बढ़ा देती है। तभी ड्रैगन कार्ड को लेते हुए स्टॉल ओनर अपने कार्ड से उसे टच करता है और एक लाइट साइन होती है जिसके बाद वो जैनी को वो कार्ड वापस दे देता है। तभी जैनी फिर कहती है ठीक है अब इन सब चीजों को वापस रखो चलो चलते हैं। तभी जान शॉक रह जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि जानी सीधे ही पैसे को भुगतान कर देगी। जिसके बाद जान कहता है ये 6-स्टार डाउडी कोर ये मैं, इससे पहले कि जान अपनी बात कंप्लीट कर पाता जानी तुरंत ही जान को देखती है नाराजगी के साथ और कहती है चलो चलते हैं। साथ ही वो जान को ऐसे देख रही होती है जैसे जान ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। जिस पे जान एम्बेरस होते हुए स्माइल करता है, साथ ही जानी के ऐसे बिहेवियर जान को अनजाने में काफी ज्यादा खुश कर दिया होता है दिल ही दिल में। जिसके बाद उन्हें इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करने के बाद जोया एक बार फिर से